बड़ी खतरनाक निकली। खतरनाक होती हुई सोच गया था भाई दिन को यार मैं अगर जा रहा हूँ तब भी पता निकल गए थे आपको फोन करना भूल गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, निकल है और आज मैं जा रहा हूँ रामपुर तक, थोड़ा सा काम है ये अपनी जो है लाइट टूट गई थी ये ठीक करना और बाइक की सर्विस भी करनी है। रुक जा, अभी ठंडा है तो यहाँ है भाई, एक कपड़े मारने के लिए आए अभी स्पेशल। स्कूल जा रहा है, इसकी शक्ल बता नहीं रही है, स्कूल भी जा रहा है। कैसी शक्ल है? शक्ल देखो अपनी, पर देखो इधर से कमीज बाहर, इधर स्वेटर है, इधर क्या है? रुक, कैमरा बंद कर यार। एक माँ जीप खराब है, जीप खराब जी है, प्रेस लगे इसमें गलती से और खराब आ गई। ये मत डालना सब बढ़िया। तो आज बहुत दिनों बाद मोटो ब्लॉग, तो आज बाइक की सर्विस भी कर लेता हूँ और ये लाइट भी ठीक करवा लेता हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, फटा हुआ सा। आज बहुत दिनों बाद मैंने गुड़गुड़ाते हुए सुन रहा हूँ। भाई हाथ हो गया बिल्कुल ही ठंडा। हमारी छोटी सी दादी जा रहे हैं यहाँ पे, लगभग 4 फुट हाइट इनकी और भाई हाथ हो रहे ठंडे अभी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इधर साइड धूप नहीं लगती ना, इस साइड को तो ठंड रहती है। बस 2-3 किलोमीटर बाद धूप बड़ी आएगी। हाँ तो अभी मैं टिकरी कैंची पहुँचा हूँ और मेरे हाथ ना ज़्यादा ही ठंडे हो रहे हैं, तो मैं तो सोच रहा हूँ 5 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, हाथ सेक लेता हूँ थोड़े धूप में। बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं हाथ, बहुत ज़्यादा ठंडे। हाथ सेकता हूँ थोड़ा, फिर 5-1 मिनट में निकलूँगा। हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, लगा नहीं था इतनी ठंड होगी सुबह सुबह। पर रामपुर में जाके तो गर्मी है, बस ठंड यही है कुछ किलोमीटर्स में। हाथ सेक लेता हूँ, थोड़े हाथ गर्म हो जाएंगे ना, फिर ठंड नहीं लगेगी। हमारे आगे चले हैं एक अंकल और इनके दोनों इंडिकेटर लटक चुके हैं, या ये स्टाइल ऐसा इंडिकेटर का हरी है, दोनों है। ऐसे लटके एकदम वी शेप में, जैकेट उड़ती हुई एकदम धूम मचाले धूम। अब मेरे आगे चलिए बस, और पहाड़ों में भी सबसे दिक्कत मेरे को ये लगती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ये बस और ट्रक वालों से ओवरटेक लेना। अब इनको पूरी पूरी जगह चाहिए होगी, उसके बाद आगे जाने देंगे ये, नहीं तो चले रहो इनके पीछे धूल खाते हुए। अब भाई यहाँ भी नहीं आएगा मेरे को ओवरटेक शायद, नहीं यहाँ से तो मैं ले नहीं सकता, लो कितनी धूल है। बिना हेलमेट के हो तो बंदा, या हेलमेट वाइजर ना हो पूरा मुंह धूल से फुल हो जाएगा। जाने दे जाने दे मेरे भाई, जाने दे। तो अभी मैं निर्मण पहुंचा हूं और भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसे ऐसे नग मिलते हैं आज क्या ही बताऊं। ऊपर एक गाड़ी वाला मिला, उसने 3 किलोमीटर तक पास ही नहीं दिया, अजीब ही आदमी था। ऊपर से मेरा गोप्रो ऑन नहीं होता उस टाइम पे, देखो ये मजे से चला है। और अब एक गड़बड़ हो गया, मैं फ्लो फ्लो में आगे आ गया, पेट्रोल पम्प पीछे रह गया, पीछे जाऊँ जाना पड़ेगा यार, रिस्क नहीं ले सकता।
पेट्रोल खत्म ही हो गया फिर गलत सीन हो जाएगा ना। वैसे पता है पहुंच जाएगी बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा क्योंकि आज टाइम है मेरे पास। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, फ्लो इतना फ्लो में आगे चला गया। अरे अरे भैया चलो घूम के ही आते हैं। फ्यूल डाल के तो एक नई जैसी जान आ गई है बाइक पे भाई, अलग ही भाग रहा भी। अरे गाय बेचारी यार, यही दिक्कत होती है जो रोड से दूर रहती ना गाय। तो अभी मैं वजीरवाड़ी पहुंचने वाला हूं और यहां से अब लगभग 5 किलोमीटर रह गया, 5-6 किलोमीटर रह गया रामपुर, और मैं वॉच लाना भूल ही गया। मैं अभी देख रहा हूँ इस टाइम तो भाई अब फ़ोन में ही देखना पड़ेगा। चलो अब क्या, जब भी पहुँचे तो टारगेट था मेरा 10 बजे का, तो शायद 10 बजे से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने नया टायर लगाया ना तब से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं हाथ छोड़ सकता हूँ। जो पुराने वाला टायर था वो शायद थोड़ा ख़राब था जिसकी वजह से बाइक बहुत वो करता था, बहुत ज़्यादा हिलता था। अभी आप आराम से ऐसे चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभी बाइक पे। तो सामने जो गाड़ी जा रही है ना ऑल्टो पुरानी वाली, भाई इसमें एक चाचा बैठा है और इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा है ना, पहले इतनी तेज़ी से ओवरटेक लिया, टच होते होते बचा, और भाई बंदे ने अभी तक साइड मिरर ही नहीं खोला है। देखो अभी तक किसी ने साइड मिरर ही नहीं खोला है बट ओवरटेक इतनी तेज़ी से कर रहा है ना ये बंदा। हाँ तो ये पहुँच गए अपन रामपुर शहर, और सामने दिख रहा होगा आपको आई लव रामपुर दिख रहा होगा अगर इसमें। अरे इधर फिर धूप नहीं है, चलो ठंड भी नहीं है। तो ये पहुँच चुके हैं हम चुआबाग, पहले इनसे पहले लेता हूँ जाऊँगा सीधे। कहाँ भैया? तो इंजन ऑयल मिल गया अपने को, अब जा रहा हूँ मैं सीधे शर्मा जी के पास। अच्छा 1-2 बजे तक है मेरा टारगेट कि 1-2 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाऊँ घर के लिए ताकि थोड़ा टाइम से पहुँच जाए। तो ये अपना पुराना फटा हुआ सामान निकल रहा है और ये नया वाला लगेगा इसमें, और मेरे को बहुत मस्त लग रहा है अभी इसे देखने में। तो ये हो गया है तैयार, अब भाई बढ़िया लग रहा है, पीछे से नया सा लग रहा है, मेरे को तो बहुत मस्त लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी अपना काम ख़त्म हो गया पर एक और दिक्कत हो गई है, ये हमारा ख़राब हो गया है, मतलब पहले से ही ख़राब था पर ये ठीक नहीं हो पाया। तो अभी मेरे को रूम जाना है, खाना खाना खाऊंगा फिर निकलूंगा बाद में जैसे घर की तरफ। अरे वाह, तो आज अपने बाइक की सर्विस भी होगी, पीछे से भी ठीक हो गया, सही हो गया, अब हमारे बाइक का पिछवाड़ा भी ठीक हो गया है। जाम लग गया। चल चल आन दे भाई, आन दे पीछे आन दे, मेरे को आगे जान दे। देखो बाइक होने का यही फायदा है, आप कहीं से भी निकल सकते हो। क्या कर रहे हैं यार, अरे लेट के ले लो, अजीब क्रेज है भाई फुल पे लेट के फोटो खींचने का। तो वही नया लग गया अपना
220F अभी अच्छा नहीं लग रहा, इसमें पेंट करना पड़ेगा। तो मैं रूम जाता हूँ, फिर बाज़ार जाना है खाना खाने के बाद, फिर निकलता हूँ घर। तो 2:30 बज गए हैं और अभी मैं थोड़ा बाज़ार तक जा रहा हूँ। मेरे को डिश का LNB लेना है, ख़राब हो गया शायद मेरे घर वाला, उसके बाद सीधा घर। तो अभी मैंने LNB ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ घर। दिस इज़ थोड़ी टाइट बांध लूँ, बार बार खुल रहे हैं यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक तो मैं शूज़ कभी कभी पहनता हूँ, हवा तेज है बहुत। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना बाज़ार में, माँ कसम से पसीना पसीना हो गया मैं इतने मोटे जैकेट में। तो भाई जैकेट घर ही छोड़ना पड़ता है, रामपुर में जैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है दिन को। तो ये जो कर्व है ना, ये बहुत बड़ा कर्व है, देखो 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 देखो। जब मैं शुरू में बाइक चलाता था ना तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि लीन नहीं कर पाता था बाइक, खड़े खड़े ऐसे घुमाने की कोशिश करता था तो फिर बाइक ना ऐसी हो जाती है। तो अभी मैं निर्मल से ऊपर आ गया हूँ और अब लग रहा है कि गर्मी नहीं है, अब सही लग रहा है ठंडा, और थोड़ी धूप भी चली गई है, बादल आ गए हैं, मतलब एक दो दिन में बारिश हो सकती है, कुछ ऐसे आसार हैं। ओहो कितना धुआं फेंक रही है भाई ये बस, कौन सी बस है। तो अभी मैं अरसू पहुँचा हूँ और मेरे को लग नहीं रहा अभी तक 4 बजे, बहुत छोटा सा चाय कर रहा था। तो अभी 4:15 मैं भाई 4 बजे पहले यहाँ पहुँच गया, पता नहीं आज इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया, क्योंकि 3 बजे के आसपास मैं रामपुर में ही था बाज़ार में, और ये दूध की बोतल पर दादी जी को देनी है। तो मैं आया ये दूध देने दादी जी को, कहाँ होंगे, यहीं होने चाहिए दादी। हाँ तो पहुँच चुके हैं अपन घर और थोड़ा मैं थक गया हूँ भाई, काफ़ी टाइम बाद मैं इतना लंबा बाइक चला रहा हूँ। तो भाई भाई हट जरा, कैसा लग रहा है नया लुक, थोड़ा अब थोड़ा कॉम्बिनेशन मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक फिर बीच में रेड फिर ब्लैक रेड, आगे भी ब्लैक रेड है। अब मैं देख रहा हूँ आगे वाले दो भी थोड़े कुछ इसमें करना पड़ेगा ताकि थोड़ा नया सा लगे, चलो देखते हैं। बाकी अभी घर जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो जरूर से एक बार लाइक करें। अरे 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 कहाँ चले हैं, जाओ जाओ शाबाश, मैं नहीं जा रहा, मैं थक हुआ अभी का, जाओ इस बिदरिंग ले जाना है आपने, जाओ 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 शाबाश। लगता है पानी नहीं आ रहा। तो मैं क्या बोल रहा था, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलता हूँ बाकी अब कल थोड़ी सी बारिश भी दिखाइए, बाकी देखता हूँ बारिश होती है नहीं होती है, 40% चांसेस तो है, और देखो भाई फूल आने लगे। तो मिलता हूँ कल, तब तक अपना ध्यान रखें भाई, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।